मथुरा जिला पंचायत के वार्ड नंबर 17 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी गुड्डी शर्मा के चुनाव कार्यालय का आज भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह और गोवर्धन मंडल अध्यक्ष ठाकुर परशुराम सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, जिसके बाद विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता महादेव शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। वहीं इस मौके पर पहुंचे वार्ड नंबर 17 के सभी गांव की सरदारी और भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वाफा बांधकर स्वागत किया गया। गोवर्धन मंडल अध्यक्ष ठाकुर परशुराम सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से श्रीमती गुड्डी शर्मा को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। अंत में विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता को विजय दिलाएं। इस मौके पर विधायक कारिंदा सिंह, मोहनलाल शर्मा, ठाकुर परशुराम सिंह, महादेव शर्मा, दिलीप प्रधान, दाऊदयाल बामना जी, यशपाल बबुआ ठाकुर, ओम प्रकाश शर्मा, जीबीएन शर्मा, गया प्रसाद प्रधान जी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बताइए, जैसा कि आज वार्ड नंबर 17 से आपने यहाँ पर भाजपा समर्थित श्रीमती गुड्डी शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? आज हमारा सबसे लास्ट में हमारे ही मथुरा जनपद का ही चुनाव है, उसी के तहत चुनाव के तहत जो टिकट भी हमारी बहुत लेट डिक्लेयर हुई, आज हमारे वार्ड नंबर 17 का यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हुए। आज मैं आपके द्वारा ये बताना देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितने भी हमारे मेरे क्षेत्र में 7 वार्ड आते हैं, 7 वार्ड बड़े अच्छी बहुमत से जीत रहे हैं और ये रिकॉर्ड अपने गोवर्धन विधानसभा का एक अपने आप कायम होने जा रहा है। और ये भी मैं बताना देना चाहता हूँ आपको कि मथुरा में लगभग हम 20 वार्डों में जीतने की स्थिति में हैं और निश्चित है वार्ड 20 में हम जीतेंगे तो हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, ऐसा हमारा सबका विश्वास है।